बाबूजी जरा धीरे चलो, इस गाने की लाइन दिमाग में आते ही आपको याना गुप्ता जरूर याद आ जाती होंगी। याना गुप्ता वो लड़की जिसकी बोल्डनेस ने कभी रातों रात लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। हालांकि इसी बोल्डनेस की वजह से कई विवाद भी रहे, लेकिन इसके बावजूद याना की फैन फॉलोइंग पर कोई असर नहीं पड़ा और याना गुप्ता लोगों के दिल और दिमाग में छा गई। एक वक्त तक याना गुप्ता ने मॉडलिंग से लेकर मशहूर आइटम सॉन्ग्स तक अपनी सुंदरता के झंडे गाड़े, लेकिन धीरे धीरे याना बॉलीवुड और चमक भरी ग्लैमर की दुनिया से दूर होती चली गई। याना गुप्ता ने अपनी बोल्डनेस से साल 2000 और अगले कुछ शुरुआती सालों में खूब धूम मचाई थी। खास तौर पर युवा वर्ग उनका फैन हो गया था। हालांकि एक दशक पूरा होते होते याना के पास काम की कमी रहने लगी। साल 2011 में याना ने चलो दिल्ली और मर्डर 2 के गानों में वापसी करनी चाही, लेकिन अपनी पहले जैसे छाप छोड़ने में असफल रही। इस दौरान याना ने टीवी इंडस्ट्री की ओर रुख किया और वहां फियर फैक्टर और झलक दिखलाजा में दिखाई दी, लेकिन इसके बाद याना गुप्ता भी बिल्कुल दिखना बंद हो गई। हालांकि याना ने इस दौरान एक किताब भी लिखी थी जो काफी चर्चा में रही थी। जब याना का करियर नीचे जाने लगा तो उनकी दिलचस्पी योग और मेडिटेशन में बढ़ गई। याना गुप्ता का पूरा नाम याना सिनकोवा था। गरीब परिवार में जन्मी याना ने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मॉडलिंग की दुनिया में काम करना शुरू कर दिया। याना ने खूब मेहनत की और देश में टॉप मॉडल बन गई। इतना ही नहीं, याना ने यूरोप से लेकर जापान तक कई प्रोजेक्ट्स में काम किया। मॉडलिंग करियर के एक लंबे दौर से गुजर चुकी याना को अपने प्रोफेशन ऊब होने लगी। इसके बाद याना ने शांति की तलाश शुरू कर दी। याना को सलाह के दौरान किसी ने भारत के शहर पुणे में बने ओशो आश्रम जाने की सलाह दी। याना शांति की तलाश में भारत आ गई और ओशो आश्रम में रहने लगी। यहाँ याना की मुलाकात सत्यकाम गुप्ता से हुई। दोनों के बीच दोस्ती हुई और प्यार हो गया। याना ने भी भारत को ही अपना घर बनाने का फैसला लिया। याना ने सत्यकाम से शादी की और यॉर्क याना सिनकोवा अब याना गुप्ता बन गई। सत्यकाम बॉलीवुड में सक्रिय थे, इसीलिए उन्हें यहाँ काम करने की सलाह दी गई। याना ने भारत में भी मॉडलिंग करने का फैसला लिया। यहाँ पर याना ने काम की तलाश की और काम करना शुरू कर दिया। अब याना गुप्ता बीते कुछ सालों से फिल्मों से दूर है। आखिरी बार याना को साल 2018 में फिल्म दशहरा में देखा गया था। फिलहाल बताया जाता है कि याना मुंबई में ही है और पिछले एक दो सालों से किसी म्यूजिक एल्बम के लिए काम कर रही है। चकाचौंध से याना एकदम दूर है और कहीं किसी इवेंट में भी नजर नहीं आती है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया के तमाम और छोटी और बड़ी खबरों की जानकारी के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।